हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनएस के बारे में। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। कभी भी आप अपने उस पर एक्सप्लोरर पे डालते हो google.com, yahoo.com, और उसके सर्वर्स आपके दूसरे कंट्रीज़ में हैं, यूके में, वॉशिंगटन में रखे हुए हैं, और वहाँ से आपका जो है डोमेन का सर्वर का रिप्लाई आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रही है, तो यहाँ से वहाँ तक आपकी इंफॉर्मेशन लेके कौन गया? क्योंकि सिस्टम जो काम करता है वो आईपी बेसिस पर काम करता है, नेम के बेसिस पर तो काम करता नहीं है। तो नेम को आईपी में कन्वर्ट करने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? डीएनएस। इसका पोर्ट नंबर होता है UDP 53। तो बेसिक फंक्शन जो डीएनएस का है वो यही है, डोमेन नेम को आईपी में और आईपी को डोमेन नेम में कन्वर्ट करना। क्योंकि सिस्टम नाम को नहीं पहचानता है, आईपी को पहचानता है, वो एक यूनिक एड्रेस पर जाता है और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको डिस्प्ले करता है। यही काम आपका डीएनएस का है। अगर डीएनएस काम नहीं करेगा तो सर्वर की इंफॉर्मेशन फेच कर पाना मुश्किल है। मैंने आपसे कहा कि डीएनएस का दो काम है, डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करना और आईपी को डोमेन नेम में कन्वर्ट करना। डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करने का जो काम कर रहा है वो कहलाता है फॉरवर्ड लुकअप जोन, और आईपी को डोमेन नेम में जो कन्वर्ट करता है रिवर्स लुकअप जोन। डीएनएस के दो काम, डोमेन टू आईपी एंड आईपी टू डोमेन में कन्वर्ट करना, और ये दो काम दो पार्ट में होते हैं, दो लुकअप जोन्स में होते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन। फॉरवर्ड लुकअप जोन डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और रिवर्स लुकअप जोन आईपी को डोमेन नेम में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं बात करूं कि ये डोमेन नेम को आईपी में या आईपी को डोमेन नेम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किसकी हेल्प से कर रहे हैं? डीएनएस रिकॉर्ड्स की हेल्प से ये कन्वर्ट करते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स। द फर्स्ट वन इज एनएस रिकॉर्ड। एनएस स्टैंड्स फॉर नेम सर्वर रिकॉर्ड। ये आपके डीएनएस सर्वर का, यानी जो आपका फर्स्ट डीएनएस सर्वर है, उसका होस्ट नेम रखता है, यानी किसके पास डीएनएस को, डीएनएस के फंक्शन करने का वो है, उसका होस्ट नेम रखता है। नेक्स्ट वन इज योर एस ओ ए रिकॉर्ड, दैट इज स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी किसके पास है डीएनएस के फंक्शन को करने के लिए, प्राइमरी डीएनएस कौन है, उसका नाम एस ओ ए रिकॉर्ड में होता है। एस आर वी रिकॉर्ड इज अ सर्विस रिकॉर्ड। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज परफॉर्म बाई द डीएनएस, लाइक एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन, LDAP। तो बहुत सारी जो हमारी सर्विसेज दे रहा है डीएनएस, हर के लिए एक सर्विस रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट इज योर होस्ट ए रिकॉर्ड। होस्ट ए रिकॉर्ड होता है मेंटेन टेबल फॉर डोमेन नेम टू आईपी। तो जो टेबल मेंटेन हो रहा है डोमेन टू आईपी, आईपी वर्जन 4 के लिए, वो होस्ट ए रिकॉर्ड है, और यही मेंटेन टेबल अगर आईपी वर्जन 6 में हो रहा है तो होस्ट 4 times AAAA रिकॉर्ड है। एमएक्स रिकॉर्ड इज अ मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड। आप गूगल से याहू पे, याहू से गूगल पे, रेडिफ पे, सब एक दूसरे को मेल कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके एमएक्स रिकॉर्ड क्रिएटेड है, दैट इज द मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड। तो एमएक्स रिकॉर्ड जो होता है वो मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड होता है, एक दूसरे एक सर्वर से मेल एक्सचेंज करने के लिए क्रिएट किया जाता है। सी नेम रिकॉर्ड इज अ टेम्परेरी होस्ट रिकॉर्ड। टेम्परेरी होस्ट रिकॉर्ड क्या है? अगर हमारे पास कोई टेम्परेरी कोई होस्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमें देना है, कोई वेबसाइट है, कुछ है, तो उसके लिए हम सी नेम टेम्परेरी रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं ताकि वो वेबसाइट हमारे नेम से ओपन हो सके। पीटीआर रिकॉर्ड इज अ पॉइंटर रिकॉर्ड दैट मेंटेन द आई पी टू डोमेन नेम दैट वर्क इन अ रिवर्स लुकअप जोन। पॉइंटर रिकॉर्ड रिवर्स लुकअप जोन के लिए काम करता है, जबकि होस्ट ए, होस्ट 4 times A ये रिकॉर्ड फॉरवर्ड लुकअप जोन के टेबल मेंटेन करने के लिए होते हैं। तो ये आपके डीएनएस रिकॉर्ड्स थे। नेक्स्ट है आपके डीएनएस जोन्स। डीएनएस जोन्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन और स्टब जोन। प्राइमरी जोन जो है ये मेरा फर्स्ट डीएनएस सर्वर है। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके साथ डीएनएस भी कॉन्फ़िगर होता है। बिना डीएनएस हमारी एक्टिव डायरेक्टरी काम नहीं कर सकती है, क्योंकि अभी मैंने कहा
कि सिस्टम जो है वो आईपी पे काम करता है जबकि हम डोमेन का एक नाम रखते हैं। तो डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करने का काम डीएनएस ही करेगी। तो हर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ एक डीएनएस जॉइंट सर्वर रोल होता है। तो जो हमारा प्राइमरी डीएनएस होता है वो हमारे प्राइमरी फर्स्ट डीएनएस जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे वो हमारा प्राइमरी डीएनएस होगा और उसी को अथॉरिटी होती है डीएनएस का फंक्शन करने के लिए। सेकेंडरी जोन क्या होता है? वो जो हम खुद क्रिएट करते हैं। प्राइमरी डीएनएस मेरा प्रॉपर काम कर रहा है, अब मैं चाहती हूँ कि प्राइमरी डीएनएस का जो भी डेटाबेस है उसको बैकअप ले लिया जाए, बैकअप लेके रख लूँ ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सारा डेटाबेस मेरे पास अवेलेबल हो। दैट इज सेकेंडरी जोन। तो सेकेंडरी जोन क्या है? बैकअप ऑफ प्राइमरी डीएनएस। प्राइमरी डीएनएस का बैकअप होता है सेकेंडरी डीएनएस के अंदर और ये केवल रीड ओनली डेटाबेस रखता है जबकि प्राइमरी डीएनएस हमारा रीड राइट डेटाबेस रखता है। प्राइमरी डीएनएस के पास रीड राइट डेटाबेस है और सेकेंडरी के पास केवल रीड ओनली डेटाबेस है क्योंकि ये बैकअप है हमारे प्राइमरी डीएनएस का। थर्ड वन इज योर स्टब जोन। अब ध्यान से सोचिए, इतने सारे ऑल ओवर इंडिया, क्या मैं इंडिया का सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ, तो ऑल ओवर इंडिया में google.com सर्च किया जा रहा है, ये किसी दूसरी कंट्री में रखा हुआ है, तो कितनी सारी रिक्वेस्ट जनरेट हो रही हैं। इन रिक्वेस्ट को कैसे पता कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है? तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर गूगल का एक को सर्वर कन्फिगर है जो सिर्फ डायरेक्शन देता है और उस को सर्वर में क्या होता है, उसका एक सब डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। अगर आपकी रिक्वेस्ट जो है वो को सर्वर से कंप्लीट होती है तो वो को सर्वर से कंप्लीट कर देता है, नहीं तो उसे आगे फॉरवर्ड कर देता है। अगर उसे आगे फॉरवर्ड करना है तो क्या करता है, स्टब जोन काम करता है जो एक ट्रैफिक कोप का काम करता है। दैट इज ओनली प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी डीएनएस कि इस डायरेक्शन, ये आपके प्राइमरी डीएनएस है, इस तरफ आपको जाना है। तो स्टब जोन में केवल एनएस और एसओए रिकॉर्ड होता है। एनएस फॉर होस्ट नेम, जो प्राइमरी डीएनएस है उसका होस्ट नेम होता है और किसके पास स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी है डीएनएस का फंक्शन करने की, ये रिकॉर्ड होता है। और डिस्टर्ब जोन केवल एनएस और एसओए रिकॉर्ड रखता है और ये एक तरह से ट्रैफिक कोप का काम करता है, एक डायरेक्शन देने का काम करता है कि प्राइमरी डीएनएस किस साइड में आपका है। तो दीज आर द थ्री जोन्स ऑफ डीएनएस, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन एंड स्टब जोन। नेक्स्ट इज योर डीएनएस क्वेरी। डीएनएस में कितने तरह की क्वेरी होती है? दो तरह की क्वेरी होती है, एक रिकर्सिव क्वेरी और एक इटरेटिव क्वेरी। रिकर्सिव क्वेरी का मतलब क्या है, याद करिए, जब आप क्लाइंट बना रहे थे तो आपने क्या किया था, एक डोमेन सर्वर कॉन्फ़िगर किया था। मान लीजिए आपने डोमेन सर्वर की आईपी डाली 10.0.0.1, आपके डीएनएस में भी है 10.0.0.1। जब आप क्लाइंट बना रहे थे तो आपने ऊपर डाला 10.0.0.2 और उसके डीएनएस में 10.0.0.1 डाल दिया। जैसे ही आप क्लाइंट बनाने के लिए गए तो आपने डोमेन का नाम डाला abc.com, वो अपनी आईपी में चेक किया कि डीएनएस सर्वर कौन है 10.0.0.1, 10.0.0.1 के पास गए और उसका डीएनएस काम किया, abc.com को आईपी में कॉन्फ़िगर कर दिया और आपका क्लाइंट बन गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपका जो क्लाइंट था उसके खुद की आईपी अपनी डीएनएस रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करने के लिए सफिशियंट थी। दैट इज अ रिकर्सिव क्वेरी। व्हेन ओन आईपी इज एबल टू रिजॉल्व द डीएनएस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड अ रिकर्सिव क्वेरी। लेकिन जब अगर मैं google.com की रिक्वेस्ट को फुलफिल करना है तो वो रिक्वेस्ट आपकी लगातार रीफॉरवर्ड होती रहेगी। लगातार रीफॉरवर्ड हो रही है तो उसको कहेंगे हम इटरेटिव क्वेरी। जब हमारी रिक्वेस्ट रीफॉरवर्ड होती है फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन तो उसको इटरेटिव क्वेरी कहते हैं। दो तरह की क्वेरी होती है, रिकर्सिव क्वेरी और इटरेटिव क्वेरी। नेक्स्ट है आपका डीएनएस आंसर। डीएनएस आंसर दो तरह का होता है, ऑथोरेटिव आंसर और नॉन ऑथोरेटिव आंसर। ऑथोरेटिव आंसर का मतलब क्या है कि हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया, हमारा डीएनएस की रिक्वेस्ट गई थी और उसका बेस्ट सॉल्यूशन हमें मिल गया, हमारे आंसर मिल गया, पॉजिटिव आंसर। एंड नॉन ऑथोरेटिव, नॉन ऑथोरेटिव का मतलब मैंने डाला कुछ स्पेल मिस्टेक हो गया या कोई अदर मिस्टेक हो गया, वहाँ पे दे दिया सर्वर नॉट फाउंड या मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग, मीन्स जो आपके एरर स्क्रीन होती है दैट इज़ नॉन ऑथोरेटिव आंसर क्योंकि वो हमारा निगेटिव आंसर है एक तरह से। तो दीज आर द डीएनएस आंसर।
नेक्स्ट होता है, जब मैंने आपसे कहा कि आपके डोमेन का एक नाम होगा तो ये एक फिक्स स्ट्रक्चर में होगा, abc.com, google.com, ignu.edu, यानी एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है। ये स्ट्रक्चर क्यों डिफाइन हो रहा है वो देखिए, abc.com आपने लिया तो ये जो डॉट है दैट इज कॉल्ड अ टॉप लेवल, ये आपका टॉप लेवल होता है, ये आपका टॉप लेवल है, और पीछे का जो कॉम है ये आपका प्राइमरी लेवल है। प्राइमरी लेवल ये बताता है कि पर्पस क्या है इस वेबसाइट का या इस डोमेन का। जैसे कॉम से पता चल गया कमर्शियल है, ईडीयू से पता चल गया एजुकेशनल है, इन से पता चल गया इंडिया का है। तो इस तरह से आपका लास्ट वाला जो है आपको ये बताता है प्राइमरी लेवल कि इस डोमेन का पर्पस क्या है, और अगर मैं फर्स्ट वाला ले लूँ तो वो ये बताता है कि ये किस यूनिक कंपनी का वेब डोमेन है, यानी सेकेंडरी लेवल जो आपका आगे वाला है ये कंपनी नेम जो बता रहा है ये इसको सेकेंडरी लेवल कहते हैं, डॉट को टॉप लेवल कहते हैं, और लास्ट को प्राइमरी लेवल कहते हैं। प्राइमरी लेवल पर्पस बताता है, टॉप लेवल डिवाइड करता है, और सेकेंडरी लेवल आपके यूनिक कंपनी का नाम बताता है। स्टैंडर्ड प्राइमरी लेवल क्या क्या होते हैं, .com, .org, .edu, .in, .uk, इस तरह से बहुत सारे आपके प्राइमरी स्टैंडर्ड लेवल हैं। कॉम फॉर कमर्शियल, ORG फॉर ऑर्गेनाइजेशनल, EDU फॉर एजुकेशनल, IN फॉर इंडिया, ये आपके स्टैंडर्ड टॉप लेवल हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका जो डॉट है वो आपका बाइफरकेशन के लिए यूज़ होता है, डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है। सेकेंडरी लेबल यूनिक कंपनी का नाम डिफाइन करता है। लेकिन अगर आपका डोमेन नेम कुछ इस तरह से हो ab.abc.com, तो ये ab क्या है? यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपका प्राइमरी लेबल है जो आपका पर्पस बता रहा है, डॉट बाइफरकेशन के लिए, ये आपका यूनिक कंपनी नेम है ABC। उसके आगे जो AB है ये हमारे सब डोमेन, अगर AB लगा हुआ है यानी हम ब्रांच ऑफिस की बात कर रहे हैं, चाइल्ड डोमेन की बात कर रहे हैं, इसको कहेंगे सब डोमेन। डॉट यहाँ पर भी बाइफरकेशन के लिए, ये हमारे सब डोमेन का नाम है, ये मेरे डोमेन का नाम है, और ये मेरा प्राइमरी लेबल है। तो ये पूरा आपका DNS के लिए था। DNS क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या है, और उसके जोन्स कौन कौन से हैं, वो पूरी आपकी डिटेल थी। DNS फॉर डोमेन नेम सिस्टम, जो डोमेन नेम को IP में कन्वर्ट करता है। इसके दो लुकअप जोन होते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन। फॉरवर्ड लुकअप जोन IP डोमेन नेम को IP में कन्वर्ट करता है, रिवर्स लुकअप जोन IP को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है। अगर मैं इसके रिकॉर्ड्स की बात करूं तो NS रिकॉर्ड, SOA रिकॉर्ड, SRV रिकॉर्ड, होस्ट ए रिकॉर्ड, होस्ट 4x A रिकॉर्ड, MX रिकॉर्ड, CNAME रिकॉर्ड और PTR रिकॉर्ड है। इन रिकॉर्ड्स की हेल्प से ही DNS फंक्शन करता है। DNS जोन्स, मैंने आपको तीन तरह के DNS जोन्स बताए, याद रखिएगा। लुकअप जोन दो है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स लुकअप जोन, जो उसके पार्ट्स हैं, और DNS जोन्स तीन है, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन और स्टब जोन। प्राइमरी जोन फंक्शन करता है, सेकेंडरी जोन बैकअप का काम करता है, और स्टब जोन डायरेक्शन देने का काम करता है। नेक्स्ट होते हैं आपकी DNS क्वेरी। DNS क्वेरी आपकी दो तरह की होती है, रिकर्सिव क्वेरी और इटरेटिव क्वेरी। DNS आंसर भी दो तरह के होते हैं, ऑथोरेटिव और नॉन ऑथोरेटिव। अगर हम डोमेन नेम स्पेस की बात करें तो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर के थ्रू ही आप डोमेन का नाम रख सकते हैं। आपके इंटरव्यू के लिए DNS बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके मोस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ DNS, व्हाट इज़ द पोर्ट नंबर ऑफ DNS, व्हाट इज़ द लुकअप जोन्स ऑफ DNS, नेम एनी 5 रिकॉर्ड्स ऑफ DNS, और स्टैंडर्ड प्राइमरी लेवल ऑफ DNS। तो इस तरह से आपके या DNS क्वेरीज क्या होती है, DNS आंसर्स क्या होते हैं, ये आपका है इंटरव्यू के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सर्वर में जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, अगर आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए जा रहे हैं, तो आपका DNS, DHCP,
एक्टिव डायरेक्टरी, और अभी आगे करेंगे आप WDS और FSMO रूल्स, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए।